मलिष्का गिराएगी लक्ष्मी को और आयुष मार देगा मलिष्का को जोर से तमाचा। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब विराज के दादाजी की बर्थडे पार्टी में जब कपल डांस होगा तब ही रांझा बने हुए ऋषि और लक्ष्मी काफी रोमांटिक डांस करेंगे और वहीं मलिष्का विराज के साथ डांस करेगी। लेकिन जब मलिष्का ऋषि को लक्ष्मी के साथ रोमांटिक डांस करते हुए देखेगी तब मलिष्का को काफी ज्यादा जलेसी होगी, इसीलिए मलिष्का ऋषि के पास आ जाएगी और लक्ष्मी को विराज के पास भेज देगी और मलिष्का ऋषि के साथ डांस करेगी। वहीं लक्ष्मी विराज के साथ डांस करेगी, लेकिन जब पूरा डांस खत्म हो जाएगा तब मलिष्का लक्ष्मी से बदला लेने के लिए लक्ष्मी को कहेगी कि कोई भी डांस फुकरी के बिना खत्म नहीं होता, तो चलो हम दोनों फुकरी खेलते हैं। तब लक्ष्मी मलिष्का के साथ फुकरी खेलने के लिए खुशी खुशी हाँ कह देगी और जब लक्ष्मी और मलिष्का दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के फुकरी खेलेंगे तब मलिष्का जानबूझकर लक्ष्मी का हाथ छोड़ देगी और लक्ष्मी सीधे ऋषि के पास जाकर गिरेगी और गिरने से बाल बाल बचेगी। लेकिन वहाँ आयुष को पता चल जाएगा कि मलिष्का ने लक्ष्मी का हाथ जानबूझकर छोड़ा है, इसीलिए आयुष को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और आयुष काफी ज्यादा गुस्से भरी नजर से मलिष्का के सामने देखेगा और मलिष्का को कहेगा कि ये तुमने जानबूझकर किया है ना। तब मलिष्का इमोशनल नाटक करते हुए कहेगी कि पता नहीं कैसे हाथ फिसल गया और कहेगी कि लक्ष्मी तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। तब ये सुनकर आयुष चुप हो जाएगा, लेकिन आयुष के मन में मलिष्का को जोर से तमाचा मारने का मन करेगा। लेकिन पूरी पार्टी खत्म हो जाने के बाद जब ऋषि और लक्ष्मी विराज के दादाजी से विराज की शादी की बात करेंगे और लक्ष्मी विराज के दादाजी को कहेगी कि विराज और मलिष्का की जोड़ी काफी ज्यादा अच्छी है और दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक है, तब विराज के दादाजी कहेंगे कि मेरे पुत्र के लिए क्या ये लड़की मलिष्का बेस्ट है। तब लक्ष्मी कहेगी कि हाँ, मलिष्का को मैं जानती हूँ, वो दिल की बहुत साफ है और काफी ज्यादा अच्छी है। ये सुनकर विराज के दादाजी विराज की शादी मलिष्का के साथ तय करने के लिए विराज को बुलाएंगे और कहेंगे कि विराज तेरी शादी मलिष्का के साथ पक्की हो गई। ये सुनकर विराज को काफी बड़ा शौक लगेगा। तब विराज कहेगा कि आपको किसने कहा मेरी शादी करने के लिए। तब दादाजी कहेंगे कि लक्ष्मी ने कहा और लक्ष्मी ने जो कह दिया वो फाइनल है। ये सुनकर एक पल के लिए विराज के मुंह पर स्माइल आ जाएगी, लेकिन मलिष्का के पापा को जब पूरे पार्टी में विराज के दादाजी मलिष्का की शादी विराज के साथ करवाने के लिए पूछेंगे तब मलिष्का के पापा को कोई भी एतराज नहीं होगा और विराज के दादाजी को शादी के लिए हाँ कह देंगे। इसीलिए जब मलिष्का और विराज दोनों फिर से डांस कर रहे होंगे तभी विराज के दादाजी अनाउंस कर देंगे कि परसों विराज और मलिष्का का रोका होगा और आप सभी को विराज और मलिष्का की शादी में जरूर आना है। ये सुनकर मलिष्का और ऋषि के होश उड़ जाएंगे, लेकिन ऋषि के सामने लक्ष्मी काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। लेकिन जब विराज के दादाजी मलिष्का को अपने पास बुलाकर पूछेंगे कि तुम्हें हमारा बेटा विराज पसंद है और तुम्हें विराज के साथ शादी करनी है तब मलिष्का ऋषि से गुस्सा होने की वजह से गुस्से में मुस्कुराती हुई ऋषि के दादाजी को हाँ कह देगी और कह देगी कि हाँ मैं शादी करूंगी और ऋषि के सामने देखते हुए कहेगी कि मुझे विराज पसंद है। यह सुनकर ऋषि को काफी ज्यादा जलेसी होगी और ऋषि के होश उड़ जाएंगे, इसीलिए जब ऋषि मलिष्का को साइड पर गुस्से से लेकर जाएगा और कहेगा कि तुमने विराज के साथ शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा तब मलिष्का गुस्से से कहेगी कि तुम लक्ष्मी के साथ शादी कर सकते हो तो मैं विराज के साथ शादी क्यों नहीं कर सकती, जब तुम्हें लक्ष्मी से फुर्सत मिल जाएगी तब मैं भी विराज के साथ दूर हो जाऊंगी। यह सुनकर ऋषि कुछ बोल नहीं पाएगा, लेकिन शादी के दिन जब ऋषि लक्ष्मी के बारे में जरा सा भी सोचे बिना मलिष्का के साथ शादी कर लेगा और लक्ष्मी को धोखा देगा तो इसके बारे में आपकी राय क्या है और ऋषि को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए क्या नहीं और आपको ऋषि लक्ष्मी की जोड़ी कैसी लग रही है, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।